को तैयार है। ऐसे टीगल के साथ क्या दूसरे राउंड में भी फैक्स लगातार हेडशॉट ले पाएंगे? और फैक्स ने तो आतंक मचा दिया भाई। रुको जरा, सबर करो। उसमें एक बैटिंग प्लेयर आज हुआ है लोहा लोहे के सामने। टकरार बहुत गंदी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, इसके साथ दो बॉडी मारी है, 40 की हेल्थ पे छोड़ा है बैक्स को भाई। भाई को भेज दिया रुकेश ड्राइव ब्रदर्स की गिल्ड से। हम भाई एक एक अंडररेटेड बेहतरीन प्लेयर जो कि काफी तबाही मचाते हुए नजर आते। क्या इस गेम के अंदर जी उसको ही रफ्तार को रोक पाएंगे जब उनको कस्टम के अंदर बुलाएंगे? नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये मैच है एक बेहतरीन मैच का जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ बैक्स 777 जो कि एक मोबाइल प्लेयर काफी तगड़ा है, ठीक है गाइस। और दूसरी तरफ की बात करें तो एनएक्सटी जू जो काफी बेहतरीन प्लेयर आपको पता है। और ये मैच तो मैं 13 राउंड का देखना चाहूंगा। लीजिए गाइस ये मैच के मजे ले। आप ये सोचो कि दोनों ही बेहतरीन गिल्ड से हैं प्लेयर, मानते बात। ये मैच मैच है, मैच बड़ा गंदा होने वाला है कसम से। मजा डबल होने वाला है इस मैच के अंदर। सीट बेल्ट बांध लो अपनी गाइस, क्योंकि इस मैच में देखने में अलग मजा आने वाला है। क्योंकि बैक्स का भी मैंने गेम देखा है, काफी तेज तर्रार ये प्लेयर है। हाँ वो भी क्यों ना। अरे पहले ही राउंड में बता दिया चीज को हेडशॉट मार के कि भाई साहब जिस गिल्ड में मैं हूँ उस गिल्ड का लीडर एक टाइम लेजेंड कहा जाता था मोबाइल का। और आज फिर से आप देखेंगे क्या होगा दूसरा ही राउंड काफी अच्छा। और चलिए देखते हैं जीव भी तैयार इधर से क्या होने वाला है इस मैच के अंदर। भाई साहब एक तरफ अनडिफिटेड जीव और एक तरफ फर्स्ट मैच मेरी स्ट्रीम में बैक्स का, बहुत बड़ा मैच है सच में। इससे क्या होने वाला है? बैक्स 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 भाई यहाँ पे मोमेंट के साथ खेल रहे, थोड़ा सा इधर से जीव भी तैयार है टैचे टीगल के साथ। क्या दूसरे राउंड में भी फैक्स लगातार हेडशॉट ले पाएंगे? और फैक्स ने तो आतंक मचा दिया भाई। क्या जीउस की रफ्तार को रोक लेंगे? जी हाँ, द पावर ऑफ केलरा फैक्स 777 इज हियर फ्रॉम रेस्टर गिल्ड। क्या होने वाला है इस मैच के अंदर यार? अरे रे तार काफी तेज यहाँ पे, दे दे अटके हैं यहाँ पे, निकल गए निकल गए निकल गए। तो आज क्या होने वाला है यहाँ पे? ट्राई पूरा कर रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रो के लिए कि बैक्स भी ऐसे चीज भी इसका हेड आने वाला है यहाँ पे। ये देखते हैं यहाँ पे तीसरा ये राउंड। बॉल लगाई जा रही है यहाँ पे बैक्स की तरफ से भी। अरे अरे बॉडी पड़ी हल्की सी यहाँ पे। चलो गाइस देखते हैं तीसरा राउंड यहाँ पे। काफी लंबी है फाइट चल रही है। दो राउंड के बाद कहीं ना कहीं जीउस को भी समझ आ चुका है कि बैक्स को इतने हल्के में तो नहीं लेना है, क्योंकि बंदे के अंदर दम है। और यहाँ पे क्लोज में दोनों ही प्लेयर। और अरे भाई क्या होने वाले इस मैच में तीसरे राउंड में? बैक्स 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 बैक्स। और गाइस बैक्स को भी आपसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कुछ देर में, बातचीत करते हैं बैक्स भाई से। क्या करते हैं कहां से बैक्स भाई? एक बैटिंग प्लेयर बैक्स सामने पे जीउस भी एक बैटिंग प्लेयर आज हुआ है लोहा लोहे के सामने। टकरार बहुत गंदी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, 50 की बची थी तब भी पलट के हेड मार दिया। 2-1 स्कोर यहाँ पे। फैक्स वन ऑफ जीउस का मैच तो काफी तगड़ा मैच चल रहा है यार। अगेन चलो भाई देखते हैं चौथा ही राउंड। कमबैक फिर से जीउस ने किया है दो राउंड के बाद। कहीं कमबैक रोक पाएंगे बैक्स में? यही क्वेश्चन बहुत बड़ा रहने वाला है। चलिए देखते हैं जीउस भी तैयार उधर से बैक्स भी तैयार। डबल फैक्स डबल फैक्स के हेडशॉट आएंगे।
या फिर जी उसके चले देखते हैं। और यहाँ पे हल्की सी बॉडी, हल्की सी बॉडी पड़ी है, और पीछे को देख ले, और यहाँ पे एक और हल्की सी बॉडी। जीस बना वैक्स की है फाइट काफी तगड़ी। क्या होने वाला है इस मैच में यार? रह गए। और ये आपके सामने दोनों ने एक को हेड मारा है यार, यही तो तगड़ा गेम प्ले है दोनों प्लेयर्स की तरफ से। गाइस क्या होगा इस मैच में यार? अरे भाई नहीं, 2-2 स्कोर। जीस बना फैक्स की फाइट बराबरी पे आ चुकी है। इतना गंदा गेम नहीं सोचता है भ्रष्टाचार या फिर सुपर। चलो देखते हैं गाइस, पांचवा राउंड शिफ्ट किया। अरे फैक्ट्री का ये राउंड है, और फैक्ट्री के राउंड में किसका एड्स उठाने वाला है, चलिए देखते हैं। पांचवा राउंड जीस इधर से और इधर से वैक्स, मूवमेंट काफी तेज यहाँ पे वैक्स की। क्या जीस की मूवमेंट को रोक पाएंगे, वही चीज देखनी है। क्या रफ्तार को गिरफ्तार कर पाएंगे? लीजिए एक और गुड पीकर का सीधा हेड शॉट, लगातार 3 राउंड ले चुके जीस। अब कहेंगे मुश्किल में जरूर आ गए वैक्स भाई। एक रैस्टार की वीडियो देख के आनी पड़ेगी अपने गिल्ड लीडर की वैक्स को। थोड़ा सा आराम करो आप, कहाँ इतने जल्दी आप। चलो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है जीस बना वैक्स के बीच में फिर से। 3-2 का स्कोर यहाँ पे। अरे रे क्या पे हेड शॉट आएंगे फिर से, तो मारती दोनों ही काफी तेज। देखते हैं पे जीस ये हैक बहुत अच्छा लगा लेता है। चलिए गाइस क्लॉक टावर, घंटा घर का ये राउंड, घंटा किसका बजेगा 7 राउंड में, 8 राउंड में किसका घंटा बजने वाला है और किसका घंटा नहीं बजने वाला है ये जरूर देखेंगे हम। एक तरफ क्लासी भाई की गिल्ड की तरफ से, एक तरफ रैस्टर भाई की तरफ से, पर दोनों ही मोबाइल प्लेयर है, गिल्ड लीडर भी पीसी प्लेयर सही, पर मोबाइल में दोनों ही तगड़े हो रहे। पर जीस ने तो भाई लगातार 4 राउंड निकाले हेडशॉट के साथ यार, एक साथ जो कमबैक होता है जीस को वो सच में अलग ही होता है, रुकता ही नहीं है जैसे वैक्स। जीस एक्यूरेसी पे खेलते हुए नजर आते हैं यहां पे खेलने में। चलो गाइस देखते हैं पे 7वां राउंड, बूढ़ पीकर सीधा लेकर रस मार रहे, और यहाँ पे बहुत गलत रस के साथ 2 बॉडी मारी है, 40 की हेल्थ पे छोड़ा है बैक्स को भाई। ये क्या मार रहा है जी 3 राउंड से एक साथ, क्या दे दिया किसी ने इसको। चलिए गाइस देखते हैं क्या होने वाला है इस गेम के अंदर। राउंड है 8वां राउंड सिपियार्ड के अंदर कंटेनर्स बहुत होते हैं, पर जगह आपको स्टार्टिंग में ओपन फाइट करने की मिलती है, और यहाँ पे आप इजीली राउंड निकाल सकते हो जब तक जोन ना आए। तो देखेंगे कौन यहाँ पे मूवमेंट के साथ खेलेगा, पर फैक्स यहाँ पे काफी तेज खेल रहे हैं इस बार, और हेडशॉट खाए। अरे भाई इस बार तो बॉडी खा गए, और 6-2 भाई 14वां मैच लगातार जीव जीतने वाले यार, और कोई रोक नहीं पा रहा है इस बंदे को। कोई है जो इसे रोके? यहाँ पे मौका नहीं दिया गया जी उसकी तरफ से, जब आपने जीव को लाया यार अलग ही गेम प्ले दिखाया जी उसने। चलिए देखते हैं गाइस क्या होगा इस मैच के अंदर। तैयारी है और बॉडी मारी है, यहाँ पे हेडशॉट आने वाले हैं वैक्स के। जी नहीं अपने आप को टाइम दे रहे हैं वैक्स यहाँ पे, जीव कॉन्फिडेंट पूरा है। अरे एक और बॉडी, क्या होगा इस मैच के अंदर? वैक्स सील करेंगे अपने आपको यार, वैक्स को राउंड निकालने पड़ेंगे थोड़े, तभी जाके मजा आने वाला है, वरना दिक्कत है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है यहाँ पे, क्योंकि वैक्स को पता है एक राउंड हारते ही मैच खत्म है। वैक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे तब से गए, स्टार्टिंग में जिस हिसाब से चढ़ के खेल रहे थे ना, वो चीज नहीं दिख रही है। दब 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 दबे में जिसको बोलते हैं ना, दबदबा कायम कर दिया है जी उसने।
14वां मैच लगातार चीफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं और इस विनिंग स्ट्रिक को सलाम है मेरे भाई, जिस हिसाब से तुम खेल रहे हो लगातार मैच में मैच जीत रहे हो, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छह नहीं सात नहीं आठ नहीं नौ नहीं दस नहीं ग्यारह नहीं बारह नहीं तेरह नहीं, ये 14वां मैच जीतने वाले हैं लगातार इन माई स्ट्रीम गाइस। पिछले इतने टाइम से अनडिफीटेड रहा है बंदा, कोई हार ही नहीं पा रहा है इसको यार, और इस बार पैक्स कैट्स और बैक्स बोलेंगे इस स्ट्रिक को सिर्फ मैं ही तोड़ सकता हूँ, और वो करके भी दिखाया है 6-3 को, जो देखते क्या होगा इस मैच के अंदर। और जिसने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल मेरे चैनल को लाइक कर देना। लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है 10वां राउंड पैक्स बनाम ह्यूज का मैच, क्या होगा इस मैच के अंदर ह्यूज या फिर पैक्स गाइस, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल चेंज करिए और पैक्स यहाँ पे खुले में आके पुश जरूर दे रहे हैं, क्या ये पुश करना भारी पड़ेगा, क्या ये रस करना भारी पड़ेगा जिसके ऊपर, चलिए देखते हैं पे। और ह्यूज खुले में आए हैं, हाथ में वुड पीकर है वैक्स के, क्या 6-4 होने वाला है बाप रे क्या होने वाला है इस मैच में यार, कैसा ये मैच है, और बॉडी नहीं बच गए अपे पैक्स बचे, और 7-3 के साथ मैच जीतेंगे हैशटैग ह्यूज, लगातार 14 मैच इस बंदे ने जीते और हैशटैग 14 तो लगा दो यार, इसकी बिनिंग स्ट्रीक किसी से रुकी नहीं है 14 मैच से, सब आपके सामने राय लिखा झुका लाइफ पे,